वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को दिखाने वाली हूँ मेरे फेवरेट हेयर मास्क और उनका रिव्यू देने वाली हूँ। वैसे तो ये दो हेयर मास्क है और ये उसी कंपनी का फेस मास्क है। मेरे कई ऐसे सब्सक्राइबर भी होंगे जो कि वर्किंग है और उन लोग के पास DIY के लिए टाइम नहीं रहता होगा, इसलिए आज की जो वीडियो है स्पेशली मैं उन लोग के लिए लेके आई हूँ। सो आइए देखेंगे ये इस वीडियो को। इसमें मैं जो है ये फेस मास्क है जो कि मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है। अगर आप लोग को इसका रिव्यू चाहिए होगा तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको रिव्यू करूँगी। इसकी कंपनी का नाम है सेवेंथ हेवन और ब्लेमिश मट मास्क है ये। एलोवेरा भी है इसके अंदर, सूदिंग एलोवेरा जूस है जो कि डीप क्लिनजिंग और सूदिंग के लिए है। और अब आते हैं जिनका मैं आज आपको रिव्यू करने वाली हूँ, ये है हेयर मास्क। और इसमें से मैं इसको यूज़ कर चुकी हूँ तो एक खाली है। मैं इसमें कोकोनट वाला भी, इसमें काफ़ी सारे वेरिएंट्स आते हैं बट मैंने इसमें से दो वेरिएंट्स यूज़ कर चुकी हूँ। और एक ये जो मनुका हनी रेस्क्यू मास्क है जो कि सेवेंथ हेवन कंपनी का है, इसके अंदर हनी का है, हेयर एंड रूट्स के लिए है ये। और ये जो मास्क है आप इसको अपने रूट्स में भी अप्लाई कर सकते हैं, या देख सकते हैं इसमें भी हेयर एंड रूट्स लिखा हुआ है और इसमें भी हेयर एंड रूट्स लिखा हुआ है। तो आप इस मास्क को अपने रूट्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं जो कि नॉर्मल कंडीशनर को आप नहीं कर सकते हैं। सो ये जो है ये एक्चुअली आपके जो हेयर के लिए एक फूड है और बहुत बढ़िया चीज़ है। और ये जो है काफ़ी पॉकेट फ्रेंडली भी है। पैक जो है इसका इतना बड़ा, ये आपको मिलता है 10 दिराम में। ये काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल फ्रेंडली भी है, आप ट्रैवल कर सकते हैं इसके साथ। आप अगर आप लोग की हेयर लेंथ मेरे जितनी है, मीडियम हेयर लेंथ है, तो आप इस एक पैकेट को 2 टाइम्स यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको 2 टाइम्स यूज़ करती हूँ, आधा मैं यूज़ करने के बाद इसको फोल्ड करके देन रबर से रैप कर देती हूँ और फिर इसको फिर से ट्रैवल इसके साथ करती हूँ। तो मुझे ये ट्रैवलिंग पर्पज से बहुत बढ़िया लगता है। और ये इनको यूज़ करने से आपके हेयर पे एक अच्छी सी शाइन आ जाती है। जो लोग के पास इतना टाइम नहीं होता जो कि DIYs वगैरह बना सके अपने हेयर के लिए, लोग तो इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं बिकॉज इट्स जस्ट लाइक अ नेचुरल रेमेडी। मैंने इसका पपाया वाला यूज़ किया है और एक कोकोनट वाला यूज़ किया है, ये हनी वाला मैंने यूज़ नहीं किया है। कुछ दिन में मैं ट्रैवल करने वाली हूँ तो हनी वाला मैं तब इसको यूज़ करूँगी, इसलिए मैंने इसको रखा हुआ है। और आई एम प्लानिंग टू बाय मोर वेरियंट्स ताकि मैं उन्हें भी ट्राई कर सकूं। और मुझे ये हेयर मास्क बहुत बहुत बढ़िया लगते हैं, बहुत पसंद है। पपाया वाला जो है वो डल लाइफलेस हेयर के लिए है और ये जो हनी वाला है ये डैमेज रूट्स एंड ड्राई हेयर के लिए। तो जैसे आप नॉर्मल हेयर कंडीशनर यूज़ करते हैं उसी तरीके से आपको यूज़ करना है, बट कंडीशनर को आप अपने स्कैल्प में नहीं अप्लाई कर सकते हैं, बट इसको आप अपने स्कैल्प में अच्छे से मसाज कर सकते हैं जैसे आप शैम्पू को करते हैं, और कंडीशनर की तरह आप इसको अपने एंड्स पे भी लगा सकते हैं, कंप्लीट हेयर पे भी इसको लगा सकते हैं। और जैसे कंडीशनर को हेयर वॉश करने के बाद लगाते हैं वैसे इसको हेयर वॉश करने के बाद आपको लगाना है, कुछ देर के लिए छोड़ देना है। आपको 5 मिनट के लिए अपने हेयर को ऐसे छोड़ देना है जैसे आप कंडीशनर लगाने के बाद छोड़ते हैं, और उसके बाद आपको पानी से इसको वॉश कर लेना है। इसके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत बढ़िया है। इस प्रोडक्ट का एक ड्रॉबैक ये है कि ये इजीली अवेलेबल नहीं है, ये इंडिया में कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। मैंने इसको जब मैं यूरोप घूमने गई थी तब मैंने इस प्रोडक्ट को फर्स्ट टाइम वहाँ देखा था और वहीं से इसको बाय करके यूज़ किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। और दुबई आने के बाद जब मैं एक शॉप पे गई तो जब मुझे ये प्रोडक्ट वहाँ पे दिखे तो आई वॉज लाइक वेरी हैप्पी कि फाइनली मुझे यहाँ पे भी ये प्रोडक्ट मिल गए हैं। आप अपने हेयर कंसर्न के हिसाब से इसमें जो वेरिएंट्स होते हैं उन्हें चूज़ कर सकते हैं। इसमें इन्होंने कोई भी ऐसे हार्श केमिकल्स यूज़ नहीं किए हैं, इसमें सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से ये बना है विच इज़ रियली अमेजिंग। जिस तरीके से आपको अप्लाई करना है वो सब आपको यहाँ पर पीछे मेंशन है, आप आराम से देख के उस तरीके से इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल क्रीमी कंसिस्टेंसी है, बिल्कुल ये रनी या फ्लुई नहीं है। बहुत ही आसानी से आप इसको अपने हेयर में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपके जो हेयर है वो बहुत ज़्यादा नरिश, सॉफ्ट हो जाते हैं, मॉइस्चराइज हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा मेरे चैनल को। मैं आप लोग से मिलती
मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छी अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड लुक ब्यूटीफुल फ्रेंड्स। बाय, टेक केयर।